हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 3 बज रहे हैं और 4 बजे मेरा जिम करने का टाइम होता है। तो अभी मैं अपनी प्री वर्कआउट मील ले रहा हूँ। प्री वर्कआउट मील में लिया है 2 ब्राउन ब्रेड और साथ में 1 टेबल स्पून पीनट बटर, और साथ में मैं लेने वाला हूँ आज 1 बनाना। आज मैं इतने कार्ब्स इसलिए लोड कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा लेग्स डे है, तो आज कार्ब्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि आज स्क्वाट भी हैवी करना है, का वर्कआउट काफ़ी हैवी होने वाला है। तो जितना ही कैलोरीज ले रहा हूँ उतनी कैलोरीज तो बर्न हो ही जाएगी, ऑब्वियसली बात है, और कार्ब्स भी ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं ताकि एनर्जी ज़्यादा मिले। तो जिम चलते हैं एंड एंजॉय द एडिट। Colors all around, but I don't see anything but blue. Get lost in the sound, go back to the start. Let's go out of the dark. आज हम बात करने वाले हैं BCAA सप्लीमेंट को लेकर। BCAA सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसको लेकर लोगों के दिमाग में काफ़ी मिथ है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कि कोई किसी काम का नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं इसके बारे में। तो असली मतलब BCAA का जान लेते हैं। BCAA का असली मतलब होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो BCAA सप्लीमेंट है इसके अंदर कुछ अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक एथलीट हो, अगर आप एक जिम करते हो और अगर आप एक हार्ड कोर ट्रेनिंग करते हो, तो बेसिकली हमारी बॉडी को 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है और जिसमें से 11 हमारी बॉडी खुद बना सकती है, और जो बचे हुए 9 है, और बचे हुए 9 में से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारी बॉडी को चाहिए वो होते हैं वैलिन, ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, जो कि हमें डायरेक्ट फॉर्म में BCAA से मिलते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं फूड आइटम्स की जहाँ से हमें मिल सकते हैं, वो है हमारा चिकन हो गया, हमारा एग्स हो गए, हमारा फिश होगी, हमारा मटन हो गया, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एक ईजी ऑप्शंस है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है BCAA लेने के। बट जो वेज है उनके तो काफ़ी मुश्किल है, बहुत रेयर ऑप्शन होते हैं उनके लिए कि वो BCAA ले सकें, अपनी जो रिक्वायरमेंट है अमीनो एसिड्स की वो पूरी कर सकें। तो BCAA लेना किसको चाहिए? लेना तो दोनों को चाहिए, जो नॉन वेज और वेज है दोनों ले सकते हैं। बट अगर आप एक हार्ड को ट्रेनिंग करते हो, अगर आप वर्कआउट आपका 1.5 से 2 घंटा चलता है, बोलते हैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जिसमें आप काफ़ी अच्छा लिफ्ट करते हो, काफ़ी ज़्यादा एंड्योरेंस की नीड होती है जिसमें, तो आप तब ले सकते हो BCAA। बट अगर आप नॉर्मल आप 30 से 40 मिनट वर्कआउट कर रहे हो जिम में सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए नॉर्मल, तो कोई ज़रूरत नहीं BCAA की। अगर आपका कोई गोल है मसल बिल्ड करना, या फिर आपका फैट लॉस गोल है, आपका पावर लिफ्टिंग गोल है, तो BCAA इन जगहों पे काम आता है। अगर नॉर्मल फिटनेस चाहिए आपको, जैसे हो वैसा रहना, तो कोई ज़रूरत नहीं BCAA लेने की। अब हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में काम क्या करता है BCAA का, मतलब कि क्या यूज़ है। जब हम वर्कआउट करते हैं ना, तो एक टाइम पे आके ना हमारी बॉडी में जो होता है मसल ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। अगर आप उसको सही टाइम पे रिपेयर ना करें, या अगर आपकी अच्छी डाइट नहीं है, तो वो मसल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो BCAA का काम ये होता है कि जैसे ही आपका मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो ऑन स्पॉट ही उसकी रिकवरी शुरू कर लेगा। आपको वर्कआउट के दौरान सिप करके, मतलब कि एक ही सिप लेना है BCAA का हर सेट बाद, या हर एक्सरसाइज के बाद आपको एक ही सिप लेना है, जिससे ये होगा जो आपका मसल ब्रेकडाउन हुआ होगा, तो वो BCAA उसी के साथ ही ऑन स्पॉट ही उसका रिपेयरिंग शुरू कर लेगा।
जिससे कि एक अच्छी मसल ग्रोथ होती है, एक आपके मसल को अच्छा शेप मिलेगा, आपका जो स्टैमिना है मसल का वो बढ़ेगा। तो गाइज एट द एंड अगर आप एक अपनी डाइट अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हो, अपनी डाइट में चिकन और एग्स इंक्लूड करते हो, तो आपको शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये बीसी लेने की। बट जो इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, आई प्रेफर कि आप बीसी लीजिए और उसके बाद आपको खुद अपने वर्कआउट में एक डिफरेंस पता चल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना।